हरि ओम 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 बैठो, क्या हाल चाल है? अरे राम, बैल कहाँ चले गए? नारायण हरि। ए आत्म सुधाओ, बैल कहाँ गए? बैल चलो गाड़ी चलाए। हरिओम 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 नारायण हरि नारायण हरि। ये जो नई रेलगाड़ी बनी है सत्संग पंडाल में दौड़ती है, वो जिसने देखी वे हाथ ऊपर करो, कब चलाई थी रात को, और जिसने नहीं देखी वे हाथ ऊपर करो, तुम आए नहीं थे। तुम्हारे लिए आज चलाऊंगा रेलगाड़ी, ठीक है? सगड़े खाली बसा चलाओ, कर लाओ कर। नारायण हरि नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। ईश्वर किसे कहते हैं? जो सहज में मिले, सदा मिले, सब जगह मिले, जिस सुख से बड़ा कोई सुख नहीं उसको ईश्वर बोलते हैं, जिस ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं उसको ईश्वर बोलते, जिस प्रेम से कोई बड़ा प्रेम नहीं। पति पत्नी लवर लवरी प्रेम करेंगे तुम्हारे बॉडी को, लेकिन ईश्वर और ईश्वर प्राप्त महापुरुष प्रेम करेंगे तो तुमको करेंगे। बॉडी का प्रेम करेंगे जब तक बॉडी में दम है, थोड़े ही बाद में ठीश हो जाएंगे। शारीरिक प्रेम ज्यादा देर नहीं टिकता। तो अब इन सब का रहस्य सार आपको मैं समझाना चाहता हूं, लेकिन निवास पे सुबह भी लोग आए उनसे मिले, अभी भी मिले, और मेरा भी कुछ नियम था दो चार दिन के लंबे कार्यक्रम, सतत कार्यक्रम में आराम बाराम की भी कमी थी, इसलिए लेट हो गए। लेकिन आपको सार बात समझना बहुत जरूरी है, और आप सार बात समझकर स्वीकार कर लो सार बात, तो आपके संसारी दुख तो भाग जाएंगे और बदले में भगवान भी मिलेंगे। और संसारी इच्छा पूरी करने में लगे तो संसारी दुख बढ़ेंगे और भगवान से भी विमुख हो जाएंगे। तुम्हारे पास जितना है और जितना तुम पा सकते हो उसे कई गुना ज्यादा रावण के पास था, हिरण्यकश्यपु के पास था, हिटलर सिकंदर के पास था, वे भी संसार से दुखी होके गए। तो तुम कौन से सुख के बंडल बांध के फिर जाओगे? तो क्या करें, सुखी नहीं हो? अरे सुखी हो, लेकिन सुख के नाम पर धोखा मत खाओ। तुम धोखा कैसे खाते हैं? एक होती है आवश्यकता और दूसरी होती है इच्छा। आवश्यकता है हमें शाश्वत ज्ञान की, शाश्वत जीवन की, शाश्वत सुख की, ये आवश्यकता है। ऐसे हमारे शरीर को आवश्यकता है भोजन की, पानी की, आवास की, वस्त्र की, ये शारीरिक आवश्यकता है।
शारीरिक आवश्यकता को हम अपनी आवश्यकता मानते और अपनी आवश्यकता का पता नहीं। इसको बोलते अज्ञान और वासना। तो एक होती है आवश्यकता, दूसरी होती है वासना। जैसे सीधा साधा विटामिन वाला भोजन मिल गया, ये तुम्हारी आवश्यकता है, लेकिन ये चाहिए तला हुआ चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, डिजायर। सादे कपड़े से अंग ढक सकते हैं, लेकिन ऐसा फैशनेबल चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, टीवी तो रंगीन चाहिए, कमरा एयर कंडीशन चाहिए, ये इच्छा है। ठीक से आराम आ जाए, ऐसा आवास हो, आंधी तूफान से बारिश से रक्षा हो शरीर की, तो शरीर संभालेंगे तो छूट जाएगा। शरीर का उपयोग करना है कि परमात्मा सुख पाने के लिए। शरीर को ईश्वर प्राप्ति का साधन बनाया तो आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, लेकिन शरीर को सुख भोग का साधन बनाया तो आपकी वासनाएं जगेगी, और वासना में शरीर बूढ़ा हो जाएगा, लाचार होगा, डिजायर नहीं जाएगी, और डिजायर के कारण फिर भटके। बोलते हैं कि सत्संग के बिना कितना भी बड़ा आदमी हो, करोड़पति अरबपति नहीं, लंकापति हो, फिर भी दुख वासना और विफलता पीछा नहीं छोड़ेगी। और सत्संग मिला तो कितना भी करोड़पति अरबपति हो चाहे कंगला हो, दुख वासना और अशांति नहीं रहेगी। तो सबसे बड़ा सत्संग हो गया। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने को ले जाते हैं। भगवान राम सीता जी को, लक्ष्मण जी को सत्संग सुनने ले जाते हैं ऋषियों के आश्रम में। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में, भगवान स्वयं जिनके मार्गदर्शक हैं और रथ चला रहे हैं, वो भी भगवान कृष्ण भी देखते कि सत्संग के बिना अर्जुन का कल्याण होना संभव नहीं, सत्संग देते। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तुली न पहुंचे सकल मिले जो सुख लो सत्संग। स्वर्ग का सुख, ब्रह्मलोक अपवर्ग का सुख, चाहे सारे संसारों का सुख मिलकर भी सत्संग से जो फायदा होता है, जो सुख मिलता है, जो उन्नति होती है, उससे नहीं होती। बहुत तपस्या करके स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग का सुख भोगेंगे तो आपका पुण्य क्षीण होगा और फिर पतन होगा। ब्रह्मलोक के सुख तो से भी ऊपर विष्णु लोक का सुख है, और विष्णु के पार्षद होकर रहे जय विजय, लेकिन सत्संग का महत्व नहीं जाना तो वही जय विजय सनकादि ऋषियों से श्रापित हुए और रावण और कुंभकर्ण बने, शिशुपाल और दंतवक्र बने, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, मारे गए। तो सत्संग से सच्चे सुख का महत्व पता चलता और सच्चे सुख को पाने की सूझबूझ आती, और सच्चा सुख पाने की इच्छा किया तो कच्चा सुख तो उसकी छाया कितना ही। और जो सच्चे सुख को छोड़ दिया और कच्चा सुख पाया तो कच्चा सुख छाया की नहीं, आगे आगे भाग जाता, और सुख ढूंढते ढूंढते आदमी मरता है। और राजा नृग मरने के बाद क्रिकेट हो गए, राजा अज मरने के बाद सांप हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन मरने के बाद व्हाइट हाउस में दिखाई देता है, क्या मिला? रेगन, मैं अमेरिका था तब रेगन था उस समय अमेरिका में, अभी दिस इज टी, नो सर दिस इज कॉफी, मैं लाइक दिस इज टी, ऐसा होके बेचारा बुढ़ापा बिताया रेगन, क्या मिला?
सत्संग के बिना जो भी कुछ मिला है वो ख्वाहिशें बढ़ाएगा, मजबूरियां बढ़ाएगा, आसक्ति बढ़ाएगा, ईश्वर से दूर ले जाएगा। और सत्संग से ईश्वर के नजीक आओगे, आसक्ति, ख्वाहिशें और बेवकूफी, अशांति और दुख मिटाकर बदले में ईश्वर को प्रकट कर देगा ये सत्संग की बदले।